ओम शांति। हमारे चैनल होम इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। और सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो हम सोच रहे हैं आप लोगों को है ना, ताज़ी अचार कैसे बनाया जाता है और उसका मसाला कैसे तैयार किया जाता है वो आप लोगों को बताएं। मूली है, गाजर है, बीन्स है, इन सब के अचार इस टाइम बहुत अच्छे लगते हैं, और हरी मिर्च का अचार बहुत ही अच्छा लगता है। आइए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे है ना उसका अचार का मसाला बनाते हैं। ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब मैं बनाने जा रही हूँ अचार का मसाला, जो मैं बल्क में बना के रख लेती हूँ। जितने हिसाब से जैसे आपका अचार का सामान है, बस उसी हिसाब से हम उसको डालते हैं, यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पैन को गर्म किया है और उसमें मैंने मेथी को सेंक लिया है। इसको धीमी धीमी आंच में सेंकना है। थोड़ा सा कलर चेंज ना हो, ब्राउन कलर ना हो बस, और ये लगे कि थोड़ी सी महक आने लगे। ये मेथी रोस्ट हो गई है, अब इसको हम इस कटोरी में ही निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद और चीज़ें हैं वो भी इसी तरह है, हमको है ना रोस्ट करनी है। जैसे कि ये सौंफ है, इसको मुझे ये भी आधा कप है। ये देखिए भुन गई है और इसकी बहुत अच्छी महक आ रही है, और ये है बहुत ही ठंडी और बहुत फ़ायदेमंद है सौंफ। कभी भी है ना अचार में डालने से कभी भी अचार नुकसान नहीं करता है। हमारी ये हींग है जो वो भुनी हुई है। अगर आपके पास हींग हो, कच्ची हो, तो आप दो तरह से भून सकते हैं, या तो इसमें डाल के भून सकते हैं नमक के साथ, या फिर आपकी अगर डेली है तो आप है ना एक रुई के अंदर रख कर और उसको गैस पर करेंगे तो अंदर पूरी फूल जाएगी और बहुत अच्छा उसका है ना सिकाई अच्छी हो जाती है उसकी, और फ्लेवर बहुत अच्छा खुल के आता है। पहला अचार हम मूली, गाजर और सेम का रखते हैं, पर अभी सेम बाज़ार में नहीं मिली है, तो इसको अगर हम अभी उबालेंगे तो इसको मुझे थोड़ा सुखाना पड़ेगा, आधा घंटा एक घंटा एक कपड़े में डाल के सुखाना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोवेव में इसको 4 मिनट के लिए रख देते हैं। ये दूसरा अचार है हरी मिर्च का, जो मोटी अचार के नाम से ही मिर्च बाज़ार में मिलती है। मोटी मिर्च लेकर उसको मैंने धोया है, उसके बाद कपड़े से पोंछ के थोड़ी देर पंखे में आधा घंटा रखने के बाद मैंने कट करके इसको रख ली है। अब मसाला तैयार कर, मसालों को एक एक करके जो मैंने रोस्ट किए थे वो एक एक करके पीसते हैं। पहले हम मेथी पीस लेते हैं, उसके बाद सौंफ को पीस लेंगे, फिर सारे मसाले एक साथ आपको मिलाकर दिखाएंगे। हमने जो मसाले भुने थे, मेथी, सौंफ और जितने भी मसाले हैं, हम एक एक करके मिला रहे हैं और आपको बताते जा रहे हैं। आधे कप मैंने मेथी भून कर है ना उसको पीसा है दरदरा, वो मैंने सबसे पहले डाला है। उसके बाद मैंने सौंफ को है ना दरदरा पीस लिया है। वो मैंने ये सरसों है, सरसों को काली सरसों होती है जो, वो मैंने है ना इसको दरदरी पीस ली है। इसके बाद इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च। लाल मिर्च अब ये है ना 1 टेबल स्पून है, और 2 डालने हैं इसमें, 2 टेबल स्पून। उसके बाद हल्दी भी 2। ये है धनिया पाउडर 2 टू टेबल स्पून। उसके बाद है ना इसमें हम डालेंगे नमक, नमक को ये भी 1-2। नमक थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, 2.5 डाल देंगे ताकि अचार ख़राब ना हो। उसके बाद इसमें डालते हैं, ये आमचूर है, आमचूर को 1 टेबल स्पून डालेंगे। सूखे मसाले हैं, इन्हें हम मिला लेंगे। हाँ, इसको सब मिला लेते हैं। मिला के आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, जब हाँ, जब बनाएं तो हम इसमें से थोड़ा सा मसाला डाल के और अचार को रेडी कर सकते हैं इंस्टेंटली। बेसिकली इंस्टेंट
आप है ना जल्दी, क्योंकि बार बार सब भूनो फिर पीसो करो, इससे अच्छी है आप है ना अचार का मसाला बना के फ्रिज में रख दीजिए, और जब भी आपका मन हो, जब ये अचार जो सर्दियों के होते हैं वो थोड़े थोड़े ही बनाए जाते हैं, थोड़ा बनाओ और 8-10 दिन खा लो, फिर बनाओ ताजी ताजी बनाओ और ताजी खाओ। मसाला बनाया है, ये कितने दिन चलेगा? ये आप है ना कम से कम इनको आप 5-6 बार है ना बना सकते हैं। ये सूखा मसाला है, आप आराम से इसको है ना कंटेनर में है ना टाइट कंटेनर में रख सकते हो, और है ना ये 1 साल तक खराब नहीं होगा। इसे हमें फ्रिज में रख, फ्रिज में, हाँ फ्रिज में रख दीजिए आप। ये आम के अचार के लिए भी है, पर इसमें क्या है ना एक आप है ना कलौंजी मिला सकते हैं, ये कलौंजी होती है वो आप मिला दीजिए, फिर आमचूर मत मिलाइए आप, क्योंकि आम तो वैसे ही खट्टे होते हैं तो मत मिलाइए आप। बाकी यही मसाले तरीके के अचार रख सकते हैं। ये देखिए हींग है ना, हींग डालना भूल गए थे, तो आप देख लीजिए इतना हींग, ज़्यादा हींग नहीं डालनी है इसमें, थोड़ी सी हींग डालनी है जो एक थोड़ा फ्लेवर दे, आधा टीस्पून के आसपास, हाँ बस उतना ही। और आप इसको है ना मिक्स कर लीजिए, मिक्स अच्छी तरह कर लीजिए, क्योंकि सारा अलग अलग है सामान, तो आप मिक्स अच्छी तरह करके फिर रखेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए मेरी है ना उसमें माइक्रोवेव में बॉईल हो गई है। अब हम अचार डालते हैं, जो मैंने मसाला तैयार किया है उसका मैंने, ये देखिए 1, 2, 3 बस इतना डालना है, फिर अपने को मसाला हमने डाला है, हाँ। और कितने गाजर और ये 2 मूली 2 गाजर हैं। अच्छा, 2 गाजर हैं तो मैंने वो डाला है। और आप इसमें है ना तेल है ना जब डालेंगे तो कम से कम सरसों का तेल है और ये 1/2 कप पड़ जाएगा इसमें। हमें मूली और गाजर को इसमें डुबाना तो नहीं है? नहीं डुबाना नहीं है, बस इसको है ना एक तरह से मोना बोलते हैं ना, मो लेते हैं इनको, इनको मसाले में है ना मो लो। ये देखिए मो, इससे बहुत अच्छा कलर और शाइन आया है। ये देखिए बस इतना ही करना है, 2-3 दिन बाहर रखेंगे तो ये गलने लगे, उसके बाद फ्रिज में आप रख दीजिए तो काफ़ी दिन तक चलेगा। बाहर ऐसे धूप में रखना है? बाहर धूप में नहीं रखना है इसको, धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, टेबल पर ही बाहर रखने से ये गल जाएंगे फ्लेवर आ जाएगा। ओके, अब हम रखते हैं मिर्च का अचार। मिर्च के अचार में ये 250 ग्राम मिर्च है, तो इसमें ना 2 टेबल स्पून हाँ थोड़ा सा तेल डालते हैं, ज़्यादा तेल डालने से मसाला बाहर निकल जाता है और फिर अंदर है ना नहीं होता है। ये देखिए कम तेल डालने से मसाला एकदम मिक्स हो गया है उसमें अंदर। अच्छा, अगर अंदर हाँ, क्योंकि अगर हम तेल डाल देंगे तो सारा मसाला तेल में चला जाएगा। इसमें मैंने आमचूर डाला है, अगर आपको और स्वाद लाना है और अच्छा करना है तो इसमें आप 1 नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इसको भी हमें 2 दिन बाहर रखना है? हाँ फ्रिज में रखना है। ये मिर्च का अचार तो बाहर भी रख सकते हैं, आगे काफ़ी दिन के लिए रखते हैं तो थोड़ा धूप लगा लेते हैं। ये तो मैंने अभी इंस्टेंट ऐसे खाने के लिए डाली है, तो इसलिए इसको है ना अंदर रखना है तो इसके साथ ही रख देते हैं। ये देखिए दोनों ही अचार में बहुत अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा कलर और फ्लेवर आया है। हम लोग तो वेट नहीं करते हैं कि अचार पूरी तरह बने, उससे पहले शायद खत्म हो जाए। देखिए कितनी आसानी से ये अचार घर में बन गए हैं और बहुत हेल्दी हैं। और आप लोग हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर ज़रूर करिए और लोगों को भी। और आप मुझे ये ज़रूर बताइए आपको कौन सा अचार अच्छा लगता है, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। ओम शांति।